नमस्कार जी, आज हम बनाएंगे सरसों का साग, जिसके लिए मैंने साग और भाथू पालक को अच्छे से धो के कट कर लेंगे। बुरी बुरी कट कर लेंगे, पानी निकाल देंगे सारा, और दो प्याज कट कर लेंगे, चार से पांच हरी मिर्ची, अदरक और एक इंच अदरक का टुकड़ा, और एक लहसुन की बात को अच्छे से छील लेंगे, और एक साग को जो बर्तन में बॉइल करना उस बर्तन में डालेंगे। आप चाहे तो कुकर में भी बॉइल कर सकते हैं। जो हमने प्याज हरी मिर्च अदरक लहसुन काट किया था वो भी डाल देंगे, साथ ही हम डालेंगे नमक, दो गिलास पानी डाल लेंगे। इसको चूल्हे पे ढक देंगे बॉयल होने के लिए। इसको दो से तीन घंटे तक अच्छे से बॉयल होने देंगे। चलाते रहेंगे, इसको साग पक जाएगा तब हम इसको नीचे उतार लेंगे। साग पक गया, इसको नीचे उतारेंगे और इसको अच्छे से घोटेंगे। अब साग को वो दाल घोटने वाली हो या ऐसे भी चटनी बना ले उससे घोट लेंगे। चार से पाँच मिनट तक अच्छे से घोट लेंगे, साथ ही हम डालेंगे मक्की का आटा या बाजरे का आटा, थोड़ा सा वो डालेंगे, जो दो छोटे चम्मच डालेंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए घोट लेंगे। अगर आपके पास मक्की का आटा या बाजरे का आटा ना हो तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। अच्छे से घट गया है, अब इसको तड़का लगाएंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम डाल लेंगे तेल, तेल या घी आप जिसमें भी खाना पसंद करते हैं डाल लेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे जीरा, और छः से सात कलियाँ लहसुन की बड़ी कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा वो भी बड़ी काट लेंगे, वो डालेंगे, तीन से चार हरी मिर्ची बड़ी कटी हुई वो डालेंगे। एक मिनट तक रोटी करेंगे, और एक प्याज बड़ी कटा हुआ वो डाल लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम दो टमाटर को बड़ी कट करके डाल लेंगे। अच्छे से भून लेंगे टमाटर को, अभी टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तब हम डालेंगे दाल में टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा छोटा चम्मच हल्दी, और एक छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक हमने बॉइल करते टाइम में डाला था तो आप उस हिसाब से डालिएगा, पहले चेक कर लीजिएगा। उनको एक मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे दो गैस पे मसालों को, और फिर हमने जो साग घोट के रखा था उसको डाल देंगे इसमें। जितने साग के तड़का लगाना चाहते हैं उतना साग डालेंगे एक बार में। दो से चार मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे इसको। चार मिनट तक पका लेंगे इसको। हमारे सरसों का साग बन के तैयार है, इस तरीके से जब ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के साग बन के तैयार होता है।